नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़शाला में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, हम हर रोज आप तक कोरोना वायरस की अपडेट लेकर आते हैं। जहां कभी कोरोना वायरस में चढ़ाव देखने को मिलता है तो कभी गिरावट, तो वहीं भारत में कोरोना वायरस के मामलों में कल की तुलना में आज गिरावट देखने को मिली है। बात अगर पिछले 24 घंटे की करें तो देश में कोरोना संक्रमण के 31,222 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि इस जानलेवा वायरस की वजह से 290 लोगों की मौत हुई है। वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों में इसकी पूरी जानकारी दी गई है। आपको ये भी बता दें कि बीते दिन भारत में कोरोना वायरस के 38,948 नए मामले दर्ज किए गए थे, तो वहीं कुल कोरोना केस में से 43,903 मरीज ठीक भी हुए थे, जिसके साथ ही साथ 219 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई थी। यानी कि दोस्तों, अगर आज और कल की तुलना की जाए तो भले ही कोरोना के मामले कम हुए हो, लेकिन मौत का आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। वहीं आपको बता दें कि इस कोरोना वायरस के चलते करीबन 4,41,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। लेकिन वहीं बात की जाए एक्टिव मामलों की, तो भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव मामले 3,92,864 के आसपास है। वहीं अगर बात की जाए देश में कुल कोरोना वायरस मामलों की, तो वो लगभग 3,30,58,000 के पार है, जो कि एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। वहीं अगर बात की जाए सभी कोरोना मरीज में ठीक हुए मरीजों की, तो उनका आंकड़ा लगभग 3,22,00,000 से भी ज़्यादा है। वहीं केरल में कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इस राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 19,688 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 28,561 मरीज ठीक हुए हैं, तो वहीं 135 लोगों की मौत हो गई है। तो दोस्तों, इन आंकड़ों से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कोरोना वायरस कितनी तेज़ी से फैल रहा है और कितना खतरनाक है। तो आप अपने आप को सेफ रखिए और हेल्दी रहिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।